नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद है यहाँ गोपालपुर में, गोपालपुर नागर मेडिकल्स के सामने, जो कि यहाँ के मेन लैंडमार्क है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि यहाँ जो ये गोपालपुर प्लेस है, ये स्टूडेंट्स के लिए रहने लायक है कि नहीं। हम इस वीडियो में लोकल से भी बातचीत करेंगे यहाँ के, और कुछ स्टूडेंट से भी बातचीत करेंगे, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ के क्या माहौल है और कैसे स्टूडेंट्स रहते हैं। जी अंकिल जी, आप क्या कहना चाहोगे यहाँ गोपालपुर प्लेस के बारे में? कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को, स्टूडेंटों को बताना चाहते हो कि आप यहाँ पर निश्चिंत आ सकते हो, आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यहाँ के लोग हर तरह से कोऑपरेट करते हैं। जैसे कि मेरे भाई अभी, मेरे जो हमारे यहाँ के बहुत ही सामाजिक इंसान हैं, इनके 2-3 मकान भी किराए पे उठे हुए हैं, और इनकी ये आदत है हमारे यहाँ। तो मतलब कहने का मतलब, मैं बहुत छोटी बात के अंदर आपको समझाना चाहूँगा अपनी बात को। यहाँ पर तो इतना कोऑपरेट करते हैं बाहर से आए हुए स्टूडेंटों को कि यहाँ 6-6 महीने का किराया हमारा मकान मालिकों को रोकने के बाद, प्लस हमसे 2-2 महीने के लिए और हेल्प लेने के बाद, कहते हैं कि घर जाके पैसे लेके अपने पेरेंट्स से, और आपको हम पेटीएम या ऑनलाइन भिजवा देंगे या किसी न किसी के हाथ भिजवा देंगे, और लौट के भी नहीं आते और नाम का भी उनका इंतजार करते हैं। यहाँ तो ऐसे भी बहुत आते हैं। हम तो हर इंसान को कोऑपरेट करते हैं। हम तो, हमारे तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जितने भी आते हैं, उनको कोई भी मतलब एक बिजनेस के पर्पज से नहीं देखते। ये समझते हैं कि बच्चे तो बच्चे ही, अपना भविष्य बनाने के लिए यहाँ पर आए, देश का भविष्य ही। अपनी पढ़ाई कोई भी प्लेस के हो, इंडिया के कोई भी कोने से हो, किसी भी कोने से, चाहे बिहार से आए, चाहे वो मद्रास से आए या पंजाब से आए, कहने का मतलब हमें उनके स्टेट से कोई मतलब नहीं है। वो एक स्टूडेंट है सिर्फ, यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, एक देश का भविष्य बनने आए, बस सिर्फ इतना जानते हैं, और हमसे जितना हो सकता है उतना सहयोग करते हैं उनका। और हर एक चीज यहाँ अवेलेबल हो जाती है, सब चीज अवेलेबल है यहाँ पर। 50 रुपए में भरपेट खाना अवेलेबल है, पेट भर के खाना, रोटी भी, चावल भी, दाल भी और सब्जी भी किसी भी ढाबे पे मिल जाएगी आपको। रात को 12 बजे तक आप भूखे नहीं रह सकते यहाँ पर 50 रुपए के अंदर, और आप चाहोगे तो 30 रुपए में भी भरपेट खाना खा सकते हो यहाँ पर। मगर खाना वही है कि जितना आप चाहोगे, 30 रुपए में आपको मटर पनीर मिल जाए, वो तो मिलेगा नहीं, वो तो मिलेगा नहीं, राइट। तो आपको दाल चावल में संतोष करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये। पर दाल चावल जरूर मिल जाएगा 30 रुपए का। ये हमारे पास बोली है लेटने के लिए, क्या कहते हैं उसको, फोल्डिंग, फोल्डिंग को भी, फोल्डिंग भी देते हैं, फोल्डिंग भी दे दिया स्टूडेंट्स को, प्रोवाइड करवाते हैं। अपना जब कभी जाओगे पढ़ाई करके, हमारा वापस कर जाना हमारा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है, वो जो रूम लेते हैं ना, तब उनको फर्नीचर नहीं मिलता है। हमारे पास पंखे के लिए पैसे नहीं है, तो हम क्या भाई पंखा हम लगवा देंगे, पंखा हम लगवा देंगे। अच्छा, पूरा कोऑपरेट करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई बच्चा 1% को बच्चा कह सकता है मैं परेशान हूँ, 99% बच्चा परेशान नहीं कह सकता। हमारी बेटी भी है, हमारे बेटे भी हैं, तो पढ़ने आते हैं बाहर से, कहीं से बात है हिंदुस्तान कौन से, लेकिन सब सुखी हैं, कोई दुखी नहीं है। और ये गांव गोपालपुर है, यहाँ तो भरे लोग हैं। अब जाओ प्रमुख नगर में, वो माफ नहीं करेगा आपका पैसा, वो माफ नहीं करेगा। हाँ, लेकिन हम लोग करते हैं, हम कर देते हैं। क्यों? हमें मालूम है कि भाई इनकी भी समस्या है, लॉकडाउन है, सबकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, पैसा लोगों के पास नहीं है, हम मजबूरी में सबका हेल्प हम लोग करते हैं, हमने की है। और इस साइड में जो भी बच्चे आते हैं वो गरीब फैमिली से आते हैं, बहुत ही परेशानी में आते हैं। गोपालपुर कोई आएगा तो गरीब का बच्चा आएगा, मालदार का नहीं आएगा। तो हम इस बात को, हम भी समझते हैं, हाँ, तो हम भी समझते हैं इस बात को, कभी ये गरीब के बच्चे, तो हम उनके पूरी हेल्प करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आप लोगों का कर्तव्य भी है, बिल्कुल है ना, स्टूडेंट्स का हेल्प करना है कि नहीं। बुलाऊंगा आपको, अपना फोन नंबर मुझे देकर जाना आप, ठीक है अंकल, फोन नंबर लिख कर दे जाएंगे। अभी दोस्तों हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद है जो कि गोपालपुर में ही रह रहे हैं, चलिए हम इनके साथ बातचीत। आपका नाम क्या भैया? रंजन राय। आप कब से रह रहे हो यहाँ गोपालपुर? मतलब 1-1.5 साल हो गए, मतलब कोविड आई थी उससे पहले से रह रहा था, 2020 हाफ से। स्टूडेंट हो ना? किस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम सीजीएल के कर रहे हैं, वन डे एग्जाम के जितने भी होते हैं। अच्छा, अभी तक कोई एग्जाम आपने क्रैक किया है? देखिए एमटीएस और सीएचएसएल में हुआ था, और सीजीएल भी मतलब प्री हो चुकी थी, मेंस नहीं हो पाया। एमटीएस में सिलेक्शन हो चुका था, फिर ज्वाइनिंग नहीं हुआ? अरे मतलब देखिए सीजीएल है ना, सीएचएसएल में सॉरी सीजीएल मेरा फोकस था सीजीएल करना, तो सीजीएल में मेरे प्री भी हो चुकी थी, बट मेंस नहीं हो पाया, उस तरह से प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी कोविड के कारण, कोचिंग बंद थे, तो मैंने नहीं लिया, एमटीएस भी नहीं लिया। अच्छा, तो आप यहाँ गोपालपुर में कब आए थे? 2020 हाफ में, मार्च के बाद, मार्च अप्रैल जून में। देखिए आप एक स्टूडेंट्स हो, यहाँ रहकर 4 सालों से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इस प्लेस के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए किसी गोपालपुर या मुखर्जी
देखिए गोपाल अच्छी जगह है, यहाँ पे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं और सस्ती जगह है स्टूडेंट के हिसाब से, जो हर तरह के स्टूडेंट यहाँ पे आ सकते हैं पढ़ने के लिए सस्ता है। और रूमरेट बहुत ही मतलब सस्ती है यहाँ पे, हर कुछ फैसिलिटी है। और बात करें कोचिंग की तो कोचिंग भी बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी है यहाँ पे। आप क्या रूम में रहते हो या फिर फ्लैट में रहते हो? यहाँ रूम में रहता हूँ, सिंगल रूम में। सिंगल रूम में रेंट कितना दे रहा हूँ भाई? यहाँ पे देखो पहले तो 3,000 थी, बट आफ्टर द कोविड ये 2,500 हो गया। अभी 2,500 में रह रहे हो आप, है ना? और कोई सिक्योरिटी मानी वगैरह? नो कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। डायरेक्ट आप ओनर से बात करो, आपको रूम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं। और कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह या फिर क्या करना है क्या नहीं करना? नो फ्री एकदम, पढ़ाई करो कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फ्री से रहो, फ्री रहो। तो आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हो, है ना, प्रिपरेशन भी कर रहे हो डेडिकेटेडली, तो स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे जो यहाँ दिल्ली में, दिल्ली मुखर्जी नगर के पास ये गोपालपुर में रूम लेना चाहते हैं? देखिए बात है कि मुखर्जी नगर गोपालपुर की, हाँ यहाँ पे थोड़ी सस्ती है, हर तरह के स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ। हर एक स्टूडेंट कर सकते हैं, जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट हैं हर कोई यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। यहाँ पे क्योंकि रूममेट सस्ती है, फूडिंग एंड लॉजिंग भी सस्ती है, अच्छा माहौल है, स्टूडेंट मतलब रहते हैं यहाँ पे। और बात करें कोचिंग की तो मुखर्जी नगर पास में है गोपालपुर से, ज़्यादा दूर है नहीं, तो इनको जाने में भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अच्छा, हाँ कोचिंग जाने में। आप कुछ बोलना चाहोगे यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में ठीक है, जैसे कि मतलब कुछ गांव से लोग बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता माँ बाप के लिए, और मतलब वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो वो मुखर्जी नगर नेहरू विहार बत्रा भगवान नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ बहुत किराया है, 7,000, 8,000, 9,000 प्लस में डीलर वहाँ लेगा आधे पैसे, 4,000 वो देगा, ठीक। हाँ तो मतलब मुखर्जी नगर से गोपालपुर करीब 1.5 किलोमीटर से कम ही है, फिलहाल में 1 किलोमीटर के समथिंग में है, तो यहाँ आके रूम ले सकते हैं, किसी भी मकान मालिक से बात करके मिनिमम 2,500-3,000 में यहाँ रूम मिल जाएगा। अच्छा, दो लोग रह सकते हैं जो मतलब गरीब फैमिली से आते हैं, आराम से 5,000 में आराम से रह सकते हैं, खा सकते हैं, कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो और यहाँ का माहौल भी अच्छा है वगैरह, कोई चोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, और मतलब पार्क वगैरह पास में, पार्क वगैरह जा सकते हैं, टहल सकते हैं, और मार्केट वगैरह भी लगती, सारी सुविधा है, और यहाँ सामान वामान भी सस्ता मिल जाता है, बाजार लगता है, बाजार में भी सामान सस्ता है। तो मुखर्जी नगर के कंपैरिजन में यहाँ मतलब गोपालपुर में हर एक चीज का रेट कम है। मुखर्जी नगर में पीजी मिलती है, हॉस्टल यहाँ पे रूम मिलती है, रूम मिलता है, तो मतलब बात जाहिर सी है कि वहाँ पे रूम रेट ज्यादा होगा, पीजी की जो फी है बहुत ज्यादा हाई है, मतलब मिनिमम है ना 7,000 से स्टार्टिंग होती है। हाँ हाँ, पहले पीजी में रहे थे? हाँ रहता था, इससे पहले पीजी में रहा था। फिर क्यों चेंज किया? देखिए वहाँ पे मतलब फूडिंग की प्रॉब्लम होती है, खाने पीने नहीं, यही एक बहुत बड़ा इशू। हाँ बहुत बड़ा इशू है, हाँ हेल्थ भी देखना पड़ता है पढ़ लिखे के साथ साथ, तब तो पढ़ पाएंगे। आप क्या कहना चाहोगे जो भी स्टूडेंट्स इंडिया के कोई भी कोने से यहाँ आना चाहते हैं, जिनका फिनेंशियल वीक है, फिर भी वो चाहते हैं कि यहाँ दिल्ली के मुखर्जी नगर में आके वो प्रिपरेशन करें और अपने सपनों को वो पूरा करें, तो उनको क्या करना चाहिए यहाँ दिल्ली के मुखर्जी नगर में आने के बाद? उनको पीजी लेना चाहिए या फिर रूम लेना चाहिए, कौन सा सुइटेबल है? एक्चुअल में भाई पीजी में ऐसा है खाना अच्छा नहीं मिलता है, मेरे दोस्त वगैरह पीजी में रहते हैं, तो मतलब दाल वाल होती है ना, ये लोग सब्जी वगैरह सस्ती लाते हैं, दाल वगैरह होती है, कीड़े ईड़े हो जाते हैं, काफ़ी बार कीड़े वीड़े भी लिख ले, शिकायत भी की, लेकिन पीजी में खाना नहीं मिलता सही से, उतना जितना हम पीजी में पैसा देते हैं ना उतने में हम यहाँ से रूम लेके डबल बंदे रह सकते हैं, खाने में फ्रेश खाना खा सकते, हाँ फ्रेश खाना खा सकते, कोई यहाँ सब्जी वगैरह महंगी नहीं है, हालांकि यहाँ सब कुछ सस्ता है लेकिन सब फ्रेश ही मिलता है। हाँ सब यहाँ फ्रेश मिलेगा, रूम मतलब 2,500 रुपये में 3,000 में यहाँ रूम मिल जाता, तुम दो लोग रह सकते हो आराम से, खाने का अगर दो लोग तीन हजार रुपये में खाना दो लोगों का खर्चा होगा, बस आराम से रह सकते, 10,000 में दोनों लोग, 7-8 हजार मिनिमम हो जाता है, इतना दोनों लोग रह सकते हैं, सेविंग हो जाएगी, बुक्स वगैरह लेने के लिए, कॉपी किताब कुछ भी, फॉर्म वॉर्म डालने के लिए, ओवरऑल बजट मैनेज करने के लिए गोपालपुर बेस्ट प्लेस है, परफेक्ट है ये। चलिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू।